इसको बैकयार्ड डाला, ये देखिए इस तरह से इसकी क्वालिटी आ रही है, ये ऐसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आई होप सब ठीक होगा। और इसमें जो कैमरा मैं इंस्टॉल करवाया था उसमें ना काफ़ी ब्लर कैमरा है, तो महिंद्रा वाले को उसी टाइम मैंने बताया था भाई कि इसमें ना कैमरा को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लेके आ जाना। तो अभी ऑफिस के काम से हम लोग गुड़गांव निकल रहे हैं, और वापसी में जब टाइम मिलेगा तो एक बार हम शोरूम जाएंगे और उन्हीं की सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे एक बार उसका कैमरा भी चेक करवाना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का, और ये मैंने इसको सर्विस सेंटर में ले जा रहा हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई, कह रहा हो सकता है कैमरा अपडेट द्वारा हमें करना पड़े या मे बी चेंज, तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये है, और मैं इसको बैकयार्ड डाला, ये देखिए इस तरह से इसकी क्वालिटी आ रही है, ये ऐसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैमरा है, कैमरे की चेकिंग चल रही है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, भैया चेक कर रहे हैं, पूरा ओपन हो रहा है। कोई नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मैकेनिकल चीज़ है, कोई अच्छी हो सकता है, भैया कह रहे हैं वैसे इसमें कपलर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक कुछ लूज रह गया हो, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप पहले ना उसको चेक कर लो। निकला था तो कैमरा उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और कैमरा बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। बाकी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या एसेसरी लगवाई थी, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब इसमें चल रहे हैं, सीट कवर चल रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पूरी सीट इन्होंने निकाल दी है, सीट खुल रही है, ये बड़ा दुख हो रहा है यार, तुम लोगों को पूरी नई की नई गाड़ी खोल दी। अभी काम चल ही रहा है, ये भैया सीट कवर लगा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि बकेट सीट कवर कैसे लगते हैं, तो उन्होंने ना पूरी सीट को काट दिया, और उसके बाद जो पिन होती हैं वो पिन इस पे इंस्टॉल कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे का मेरा ना उस टाइम एंगल चेंज हो गया था, तो यार प्लीज़ यार माइंड मत करना। बाकी फिटिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को टाइम लग रहा है इस चीज़ में। ये बादल भाई है ना, इन्होंने पूरी गाड़ी की देखो क्या करवा दी गाड़ी का, ये देखो क्या हाल करा रखा है गाड़ी का, नई गाड़ी का। भैया कह रहे थे गाड़ी के अंदर सिंहासन बनाना है और लेटने के लिए अच्छा खासा, तो इसमें अभी बेड इंस्टॉल हो रहा है इसमें। ये है रियर गार्ड, बाकी फाइनल लुक दिखाता हूँ सारी एसेसरी लगने के बाद, देखते हैं। और काम चला अभी रियर गार्ड का, अभी भैया रियर गार्ड लगाएंगे, ये उसके कुछ क्लिंप है, सॉकेट है, ये चीज़ है इस तरह से। और अपने कैमरे की फिटिंग भी चल रही है साथ में, ये वाले भैया देखिए ये कैमरे की फिटिंग लग रही है, कैमरा भी यहाँ से इंस्टॉल करवाया हमने, क्योंकि इस वाले वेरियंट में कैमरा नहीं आता। ये देखिए ये प्रॉपर ये वायरिंग जा रही है, और अभी सीट कवर है, मैट है, कैमरा इंस्टॉल करवा लिया है, और साइड फुट स्ट्रैप है वो लगवा लिया है, और अभी इसकी जो डिस्प्ले है ना काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, तो इसमें स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, तो इस पर आप स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर भी लगवाएंगे इसमें अभी। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में एसेसरी लग चुकी है, और एसेसरी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो यार मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सस्ती एसेसरी चाहिए तो आप बाहर से लगवा सकते हैं। और ये महिंद्रा जो जेन्युइन है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, जो कि आपको बाहर नहीं मिलेगी। बाकी इसकी क्या प्राइस बैठा कि कौन से ऐसे क्या क्या रेट है, ये आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।